Hello friends, welcome in my YouTube channel of biology concepts. As you all know, we are discussing my video series for class 10th level. So in this video, I am going to discuss about one problem which is based on dihybrid cross. Okay, so in this video, we are totally focusing on how to solve a problem which is based on different types of cross. In my last video, I have discussed about monohybrid cross. So starting from the question, in rabbits, white fur is dominant to black, and I have written here, fur one is dominant character and one is recessive character. Okay, so yes, one is dominant and one is recessive. So this is white and this is black, and one ear we have taken size, that is long and short. Capital E is long and small E is short. So I have written the alleles here for dominant and recessive alleles. Okay. Now starting from the question, a breeder may, in rabbits, white fur is dominant to black. White is dominant over black, and long ears are dominant to short ears. Okay. The breeder mates two rabbits that are heterozygous. One breeder who has taken one is male, another is female. And both are heterozygous, capital W, small w, capital E, small e. It mates with capital W, small w, capital E, small e. Okay, this is the cross. So what is the chance that the offspring will be black with long ears? Hum logon ko batana hai yahan pe black with long ears. Black plus long. So aap dekh rahe hain ki hamare paas black aur long ka ye version aana chahiye. ब्लैक एंड लॉन्ग. और हमारे पास कुछ स्टूडेंट देखिए, आप ये ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, 1/8, 1/4, 3/16 एंड 3/4. तो हम लोग इसके लिए वो पूरा चक्कर बोर्ड बनाते हैं. और आपको पता होना चाहिए यहाँ से हमें फोर तरीके के गैमेट्स मिलेंगे, जैसा कि मैंने अपने डाईहाइब्रिड क्रॉस में ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था. तो अगर आप यहाँ पे वो चेकर बोर्ड बनाना चाहें तो आप फिर से ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो मैं पूरा यहाँ पे चेकर बोर्ड फिर से नहीं बनाने वाली हूँ. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा चेकर बोर्ड देखना चाहते हैं तो आप हमारा डाईहाइब्रिड वीडियो, डाईहाइब्रिड क्रॉस वाले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं. बस मैं यहाँ पे ये फोकस कर रही हूँ कि कौन कौन से गैमेट्स हम लोगों को मिल रहे हैं. कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल ई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल ई, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल ई एंड स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल ई. Okay, this is DD, DR, RD, RR. Okay, and you can write here, this is, suppose this is male I have taken, and starting here from female. Capital W, capital E, same gametes you have to write here. Capital W, small e, small w, capital E, small w, small e. Yes. So DD, DR, RD, RR. So, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लैक विद लॉन्ग ईयर्स वाले हमको कितने मिलेंगे. तो आपको मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बता सकती हूँ कि जैसे कि अगर हम लोग डीडी की बात कर रहे हैं, दोनों ही ट्रेट हमारे डोमिनेंट है, तो ऐसे हमें मिलने वाले हैं 9. डोमिनेंट और रेसेसिव वाले हमें मिलते हैं 3, और रेसेसिव और डोमिनेंट वाले हमें मिलते हैं 3, और रेसेसिव वाले हमें मिलते हैं 1. और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक करेक्टर तो इन लोगों ने रेसेसिव लिया हुआ है और दूसरा करेक्टर डोमिनेंट. इट मींस हम लोगों को कितना रेशियो आएगा आरडी का 3. इसका मतलब टोटल हमारे पास 16 में से कितने होंगे जो ब्लैक विद लॉन्ग ईयर्स होंगे. आंसर विल बी 3/16. अगर स्टूडेंट्स इसमें ऐसा पूछा जाता कि हाउ मेनी ऑफ स्प्रिंग्स विच आर हैविंग व्हाइट विद लॉन्ग ईयर्स. व्हाइट विद लॉन्ग ईयर का मतलब दोनों ही केस में हम लोगों ने डोमिनेंट लिए, तो इसका आंसर होता है 9/16. ऑल्दो हम लोग इस क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ब्लैक और लॉन्ग ईयर्स बताने थे. ब्लैक आपको पता था यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट था, और जो लॉन्ग ईयर्स थे वो डोमिनेंट थे, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3/16 इसका आंसर जाएगा. और अगर यहाँ पे सपोज स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि आप बताइए कि क्या चांस होगा ब्लैक भी हो और शॉर्ट भी हो. ब्लैक विद शॉर्ट, इसका मतलब ब्लैक भी रेसेसिव ट्रेट लिया और शॉर्ट भी रेसेसिव लिया, इसका मतलब आंसर होता 1/16. जैसा कि आपको मैंने डाईहाइब्रिड रेशियो में ऑलरेडी बताया हुआ है अपने डाईहाइब्रिड क्रॉस वाले वीडियो में,
कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फीनोटिपिक रेशियो होता है वो आता है 9:3:3:1। अगर आपने हमारा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस वाले कॉन्सेप्ट को, तो आप दोबारा से जाके हमारे लिंक पर उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा 9:3:3:1। यहाँ से आप याद रखेंगे ये जो 9 है ये डी डी वाला है, ये जो 3 है ये डी आर है, और दूसरा वाला 3 आर डी है और आर आर वाला 1। सो आप अगर चाहें तो ये पनेट स्क्वायर खुद से फिल करके देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो इस चेकर बोर्ड में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा, और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर इनवैल्यूएबल सपोर्ट एंड ऑल टाइम फेवरिंग मी। सो आई होप वी विल मीट सून। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।